एक एसडीएम का ड्राइवर खुद को एसडीएम समझने लगा है। इसके आतंक की हर जगह चर्चा है। यह किसी को भी संदिग्ध व्यक्ति कहकर पकड़ लेता है और तहसील दफ्तर में ले आता है। हद तो तब हो गई जब इनने पत्रकारों और वकीलों को भी धमकाना शुरू कर दिया। इस ड्राइवर की शिकायत अब पुलिस में भी कर दी गई है। डोईवाला एसडीएम का ड्राइवर आजकल चर्चाओं में है। ये ड्राइवर अधिकारी के बिना ही सरकारी वाहन को लेकर यहाँ वहां घूमता रहता है और किसी भी व्यक्ति को संदिग्ध समझकर उसका फोन छीनकर उसे तहसील ले आता है। कल भी ये ड्राइवर एक राह चलते युवक को संदिग्ध समझ के उसका फोन छीना और तहसील ले गया, जिसकी सूचना मिलने पर मीडिया के लोग और वकील ने पीड़ित युवक से बात की। इसके बाद ये ड्राइवर बौखला गया और इसने पत्रकारों को मारने की धमकी के साथ ही अधिवक्ताओं का लाइसेंस रद्द करवाने की धमकी दे डाली, जिसको लेकर डोईवाला के जनप्रतिनिधि, पत्रकार व अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधि मंडल उप जिलाधिकारी से मिला और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित करते हुए उक्त ड्राइवर को निलंबित करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने डोईवाला कोतवाली में भी तहरीर देते हुए ड्राइवर के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की। एसडीएम महोदय के ड्राइवर ने पत्रकारों के लिए अभद्र टिप्पणी करी और वकीलों के भी अभद्र टिप्पणी करी। उस संबंध में आज हम जो है एसडीएम महोदय डोईवाला से मिले, मुलाकात की, हमने उसमें लिखित शिकायत दर्ज कराई है मैडम को और हमने 2 दिन का टाइम दिया है एसडीएम महोदय मैडम को, इसमें उचित कार्रवाई कर ड्राइवर को सस्पेंड करने की मांग की है, अन्यथा पत्रकार जो है शनिवार से धरने पर बैठेंगे। देखिए कि जैसे कि ये ड्राइवर माननीय एसडीएम डोईवाला के ड्राइवर है और जो जिस भाषा का इन्होंने कल प्रयोग किया अधिवक्ताओं के लिए और एक धमकी दी गई कि मैं उनका लाइसेंस रद्द करा दूंगा, उससे पहले इन्होंने हमारे एक सम्मानित पत्रकार जो क्षेत्र में बहुत अच्छी पत्रकारिता करते हैं और मुद्दे उठाते हैं, क्योंकि उन्होंने सुबह एक मुद्दा उठाया था क्योंकि ये ड्राइवर एक लड़के का जो चाय पी रहा था उसे उठाकर लेके आ गया, उससे मोबाइल छीन लिया, उसके पैसे छीन लिए। जब उसका इंटरव्यू हमारे एक पत्रकार ने किया तो उसे भी उसके साथ भी गाली गलौज की और उसे अभद्रता की और उसके कई प्रकार की धमकियाँ दी कि ऐसे मैं दिखित बताऊंगा पत्रकार कैसे बनता है। इसी बात को हमारे अधिवक्ता साथी ने उठाया था, उसके लाइसेंस रद्द करने की बात की, तो आज हमने इसी क्रम में जन अधिवक्ताओं का आक्रोश को देखते हुए एसडीएम महोदय को इसके ऊपर एक सूचना दी है, ज्ञापन दिया है कि तत्काल 24 घंटे के अंदर इसे यहाँ से ड्यूटी से हटा दिया जाए, इसे सस्पेंड कर दिया जाए। अगर एसडीएम महोदय इसमें कोई कार्रवाई नहीं करेंगी तो कल पत्रकार और अधिवक्ता लोग दोनों मिलकर यहाँ पर धरना करेंगे। हमारे अधिवक्ता साथी संजय अपने चैम्बर में बैठे थे, तभी उनको उनके वकील द्वारा बताया गया कि उनके किसी जान पहचान वाले को तहसील के कर्मचारी जो कि ड्राइवर का काम करते हैं एसडीएम महोदय के यहाँ, वो उनका फ़ोन छीन के उनको पकड़कर तहसील लाए हुए हैं। इसके पश्चात हमारे अधिवक्ता साथी जब इसके बारे में जानकारी लेने उक्त कर्मचारी के पास पहुँचे तो उन्होंने उस व्यक्ति को उसका मोबाइल लौटाते हुए और वहाँ से छोड़ दिया और इसके पश्चात उन्होंने अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार किया और धमकी दी कि मैं ऊपर तेरी शिकायत करके तेरा लाइसेंस कैंसिल करा दूँगा। एसडीएम महोदय के जो ड्राइवर हैं उनके द्वारा जो है मेरे साथ अभद्र व्यवहार किया गया और उनके द्वारा कहा गया कि मेरी मंत्रियों से और सांसदों से मेरे घर आते हैं और मेरे पैर छूते हैं, मैं जो है तेरा लाइसेंस कैंसिल करवाऊँगा। केवल मैंने ये पूछा था कि तुमने किस आधार पे उस लड़के का जो है फ़ोन छीना है, तो उसी कारण उन्होंने मुझे कहा कि मैं जो है पहले तो जो पत्रकार जो है वो देख रहा था कि मेरे उसकी बाइट ले रहा था, उसके मैं थप्पड़ मारता और तुम्हारा जो है लाइसेंस कैंसिल करवाऊंगा मैं। वकीलों में बहुत आक्रोश है, उसके खिलाफ हम आज जो है एसडीएम महोदय को बताया गया है और ज्ञापन दिया गया है और कल अभी थोड़ी देर में हम वहाँ जाके क्या कोतवाली में जाके उसके खिलाफ। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।